देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक बेहद संवेदनशील, सेंसिटिव, गंभीर घटना हुई है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर सभी स्टूडेंट से और जो पीड़ित स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उन सबसे बेनती करना चाहेंगे कि आप हौसला ना हारें, शांति बनाए रखें, पीस एंड काम बनाए रखें। हम सब आपके साथ हैं, न्याय अवश्य होगा। भगवंत मान साहब की सरकार और पंजाब पुलिस इस मामले में न्याय स्विफ्ट और मुस्तैद तरीके से करेगी। FIR रजिस्टर हो गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कई प्रकार की जांच इस पूरे मसले में की जा रही है। मैं हाथ जोड़कर सबसे बेनती करना चाहूंगा कि कोई भी हिम्मत ना हारे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी सभी स्टूडेंट से, जो पीड़ित हमारी बेटियां हैं, उनसे, उनके परिवारों से अपील करी है कि आप शांति बनाए रखें। न्याय आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर इंश्योर करेगी, न्याय होगा। और जिन दोषियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन सबको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस समय हम सबको शांति बनाने की और कानून व्यवस्था में विश्वास रखने की पूरी जरूरत है, आवश्यकता है। देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक बेहद संवेदनशील, सेंसिटिव, गंभीर घटना हुई है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर सभी स्टूडेंट से और जो पीड़ित स्टूडेंट्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उन सबसे बेनती करना चाहेंगे कि आप हौसला ना हारें, शांति बनाए रखें, पीस एंड काम बनाए रखें। हम सब आपके साथ हैं, न्याय अवश्य होगा। भगवंत मान साहब की सरकार और पंजाब पुलिस इस मामले में न्याय स्विफ्ट और मुस्तैद तरीके से करेगी। FIR रजिस्टर हो गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कई प्रकार की जांच इस पूरे मसले में की जा रही है। मैं हाथ जोड़कर सबसे बेनती करना चाहूंगा कि कोई भी हिम्मत ना हारे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी सभी स्टूडेंट से, जो पीड़ित हमारी बेटियां हैं, उनसे, उनके परिवारों से अपील करी है कि आप शांति बनाए रखें। न्याय आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर इंश्योर करेगी, न्याय होगा। और जिन दोषियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन सबको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस समय हम सबको शांति बनाने की और कानून व्यवस्था में विश्वास रखने की पूरी जरूरत है, आवश्यकता।